नमस्कार। जय भारत, जय सनातन। तो साथियों, आप सभी जो अभी एक थंबनेल देख रहे हैं, पासी जात की उत्पत्ति और इतिहास, सुअर से क्या है इनका संबंध, अब इस बात से या इस थंबनेल को देखकर बहुत से हमारे पासी समाज के मार्शल कौम के भाई बंधु लोग, पता है हमें, वो पहले उनके मन में गुस्सा आएगा। तो साथियों, आपको गुस्सा आना चाहिए, आपको गुस्सा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, गुस्सा आपको उनके ऊपर आना चाहिए जिन लोगों ने इस उत्पत्ति की कहानी को बताया या जिन्होंने लिखा है। तो पहले आप पूरा वीडियो सुन लेना, उसके बाद आपको जो कहना होगा, गाली जो भी देना होगा आप देना, कि मैं सही हूँ या आप गलत हैं या लेखक गलत है या बताने वाला गलत है। तो चलिए, मैं आपको एविडेंस की तरफ लेके चल रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं, ये जो है स्टेट ऑफ जस्टिस इन इंडिया, इशू ऑफ सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय कि इसमें बात कही गई है, तो ज़रूर उसमें आपके सामाजिक न्याय की बात भी कही गई होगी और रखी गई होगी। लेकिन पहले आपकी उत्पत्ति के बारे में उन्होंने क्या कहा है, और यह आप ही लोगों की एक बहुत ही फेवरेट बद्री नारायण तिवारी जी ने उन्होंने लिखा है, पेज नंबर 84 पे, और बाकी तमाम जो एविडेंस है सभी जगह इसी तरह का उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है। परंतु यहाँ पे क्या लिखा है, इसका आप हिंदी अनुवाद मैं करके आपको रखा हूँ, बता देता हूँ, आप लोग भी ध्यान से अगर नहीं कभी पढ़े होंगे तो सुन लीजिएगा इसमें क्या लिखा गया है, मैं क्या बताना चाहता हूँ, उस चीज़ को भी समझिए। तो साहबपुर के पसियापुर पट्टी में रहने वाले पासियों की पुरानी पीढ़ी में भी, यानी पासियों की पुरानी पीढ़ियां भी पासियों की उत्पत्ति ऋषि परशुराम से मानती हैं, जो एक पौराणिक ब्राह्मण संत थे जो अपने उग्रवाद के लिए प्रतिष्ठित थे। 75 वर्षीय खिचड़ीलाल पासी मिथक का वर्णन इस प्रकार करते हैं, यानी जो एक 75 वर्षीय आपके ही किसी समाज को उन्होंने एक रेफरेंस दिया है, वो इसी मिथक का, ये किसी किदवंती का वो वर्णन करते हैं। क्या करते हैं, एक दिन जब परशुराम की माँ परशुराम को सौरी यानी प्रसूति कक्ष में पहुँचने की प्रक्रिया में थी, अर्थात परशुराम जी का जो जन्म होने की जब प्रक्रिया होती है उसमें थी, तभी कामरू मच्छ जो नामक एक कसाई गाँव से 1600 गायों को ले जाने लगा। ग्रामीणों ने परशुराम की माँ से शिकायत की, जिन्होंने बच्चे को जन्म देने में असमर्थता व्यक्त की। अर्थात उसी समय जैसे उनका जन्म होने वाला था, तभी लोगों ने उनकी माँ को यह जानकारी दी। अब आगे, तब तक परशुराम महाराज अपनी कमर के चारों ओर बंधी गर्भनाल के साथ अपनी माँ के गर्भ से प्रकट हो गए। अब देखिए किस तरह की कहानी जो बताई जा रही है, इस तरह से कभी किसी इंसान का जन्म होता नहीं है कि वो गर्भनाल से बंधा हुए और तुरंत बाहर आ गए, प्रकट हो गए, और वहाँ कह रहे हैं वह कामरू के पीछे दौड़ा और कसाई से लड़ने लगा। वह बहादुरी से लड़े, कभी उसे दूर फेंकते, कभी खुद गाड़ी के पहिए को घुमाते। इस समय तक खूब पसीना बह रहा था, उस पसीना निकलने के लिए सिर हिलाया, और जब मन के जो जमीन पर गिरे, जो उसके बूंद जब जमीन पर गिरे, उसमें से 5 पासी निकली। ये पासी भी, अब देखिए, ये पासी भी लड़ाई में शामिल हुए और कामरू को मार डाले। अर्थात यहाँ कहा जा रहा है कि जो पसीने की 5 बूंदें जो उसमें से नीचे गिरी, तो उसमें से वो 5 पासी पैदा हुए, और वो क्या किए, उसके साथ में लड़े और कामरू को मार डाला। परशुराम ने तब गायों को मुक्त किया
उन्हें घर ले आए, पैदा हुए और तुरंत उन्हें घर भी लेके आ गए। अब पैदा हुए तो बड़े भी हो गए, लड़ाई भी होने लगी या कहीं से भी लॉजिकली किसी भी तर्कसंगत वैज्ञानिक किसी भी तर्क की कसौटी में कोई भी एक अनपढ़ आदमी भी इस बात को रिजेक्ट करेगा। लेकिन ठीक है, आप लोगों को मत है, आप लोगों का विश्वास है, उसका हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति सिर्फ इस बात को लेके है कि एक ऐसे लेखक जो पीएचडी किए हुए और इस तरह की किदवंतियों को डालते हैं और बाद में यही भरपासी सब जगह है, इसी तरह से जैसे आपकी चीज़ों को उन्होंने बिना वैज्ञानिक किसी प्रमाण के लिखे उसी तरह उन्होंने सब जगह भरपासी कर डाला है, इसलिए आप खुश होते हैं। अब चलिए, 5 पासियों ने परशुराम से उन्हें अपने साथ घर ले जाने का अनुरोध किया क्योंकि उनके पास पालने के लिए कुछ नहीं था। सही बात है, पैदा हुए तो तुरंत भाई, अच्छा तुरंत पालने के लिए इतने जल्दी मतलब सक्षम भी हो गए। इंसान पैदा होता है माँ की गर्भ से कम 9 महीने उसका पालन पोषण होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। पैदा हुए, उनको घर लेके आए, उनके पास पालने के लिए कुछ नहीं था, तो परशुराम ने उत्तर दिया कि उनकी गर्भनाल अभी तक नहीं कटी है। अब उनकी गर्भनाल भी नहीं कटी थी इसलिए उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं। सही बात है, वो बच्चे रहे होंगे छोटे से, उनका उस समय तो चल भी नहीं सकते होंगे। अब कैसे वो उन्होंने कामरू मच्छक को मारा वो तो अब यही लोग साबित कर सकते हैं। तब पासियों ने उससे पूछा कि उन्हें क्या खाना चाहिए। परशुराम ने उत्तर दिया, उन्हें शुद्ध करने के लिए चंदन के लेप यानी चंदन में डुबोकर गुजरने वाले सुअरों के पिछले सिरे को खाना चाहिए। जो सुअर थे, सुअर जानवर होते हैं जो जिसका आज भी ये लोग पालन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस परंपरा को बहुत से अपनी आस्था के साथ इनके जुड़ा हुआ है। तो ये कितनी अच्छी बात है, इनका जो आज का वो धंधा या जो बिजनेस है या उसको खाने के लिए इन्होंने पाला था। अब कुछ लोग कहते हैं इन्हीं के लोग कि हमने तो मुसलमानों से बचने के लिए सुअर पाला था। नहीं, अब उसमें अगर बचने के लिए आपने पाला होता तो आज तक नहीं पालन करते। जैसा आप लोग दूसरे और भारों के बारे में कहते हो, ठीक है उन्होंने कभी किए होंगे लेकिन अब नहीं करते हैं। मजबूरी में कभी कोई किया होगा, अब नहीं करते हैं साहब। लेकिन आप लोगों का भाई तो ये भगवान परशुराम जी से जुड़ा हुआ मैटर है, वो आपके जन्म से जुड़ा हुआ है, तो आपको खाने के लिए चाहिए। अब आगे आप ही, या मैं तो नहीं कुछ कह रहा हूँ इसमें, आप गाली देना चाहे तो आप अपनी परंपरा को गाली दे सकते हो, इस लेखक के ऊपर गुस्सा आना चाहिए, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। परशुराम की सलाह का पालन करके पासियों ने बड़ी ताकत हासिल की, पूरे देश में उनका कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन भगवान विष्णु नारद के साथ हाथी पर सवार होकर गुजर रहे थे, पासियों को पास में खेलता देखा या देखे नारद ने गुस्से में उनसे पूछा कि यह क्या कर रहे हो। बदले में पासियों ने हाथी की पूंछ खींच दी जो उनके हाथों में ढीली पड़ गई। नारद ने तब भगवान से टिप्पणी की, ये लोग बड़े मजबूत थे और आगे नहीं रोका गया तो जल्दी ही पृथ्वी पर अधिकार कर लेंगे। अब आगे क्या कहा जा रहा है, कुछ दिनों बाद नारद मुनि जो एक ब्राह्मण थे अकेले ही आ गए। जैसे 5 पासी सुअर का मांस खाने वाले थे, नारद ने कच्चा मांस खाने के लिए उन्हें उपहास किया। उन्हें सलाह दी कि इसमें नमक डालकर पकाकर इसे और अधिक स्वादिष्ट बनाया जाए। सरल मन के होने के कारण पासियों ने नारद की सलाह मान ली और मांस पकाना और नमक डालना शुरू कर दिया। तब पासियों की ताकत कम हो गई। तब नारद ने प्रभु से कहा, अब हम देखेंगे कि पासी क्या कर सकते हैं। इसके बाद जब पासियों ने हाथी की पूंछ को ढीला करने की कोशिश की तो ऐसा करने में असमर्थ रहे क्योंकि उनकी ताकत कम हो गई थी। कहानी
सुनाते ही पुरानी पीढ़ी अपने गौरवशाली अतीत के लिए गर्व से भर जाती है, जिसमें वह उच्च जाति के हिंदुओं के श्रद्धेय संत भगवान परशुराम के पसीने से पैदा हुए थे। इसके साथ ही साथ अभी जो अस्पृश्यता निचली जातियों में सबसे गंदे और नीच माने जाने वाले उनका एक दुख भी है, तो इसका दुख एक भारतीय होने के नाते हमें भी है। यह गलत है, छुआछूत अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के साथ हुआ है तो गलत है, लेकिन यह किदवंतिया, आप सोचिए कच्चा मांस खाने से आपकी ताकत बढ़ती थी और नारद मुनि के कहने की वजह से आपका पक्का मांस आप खाने लगे, आपकी ताकत कमज़ोर हो गई, तो साहब इतना विश्वास है आपके जन्म पे तो फिर से कच्चा मांस खाइए। पालन तो आप कर ही रहे हैं, पालन तो आप कर ही रहे हैं, कहाँ आपको खरीदने जाना है, तो इसे आप अन्यथा ना लें, इसे अन्यथा ना लें। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि आप उसी चीज को प्रयास करके एक बार देख लीजिए कि क्या सच्चाई हो सकता है, आपकी ताकत बढ़ जाए, फिर से आपका यश और गौरव वापस आ जाए। कुल मिला जुला के मेरे प्यारे पासी भाइयों, ये सब चीज़ों से कुछ मिलने वाला नहीं है, न ऐसी ऐसे इतिहासकारों के चक्कर में पढ़कर जो आप लोग दिन भर भर पासी भर पासी। अरे भाई आप पासी हो, पासी बनकर रहो, क्यों भर 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 चिल्लाते हो? आप जिस दिन भर को आप लोग छोड़ देंगे, आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सच तो ये है, या तो आप लोग छोड़ के दिखा दीजिए, भाई आपकी उत्पत्ति तो पास परशुराम जी से है, फिर क्यों भर भर करते हो? अरे वो तो आपकी उपजाति है, उपजाति को छोड़ दो, आप तेल लगाने जो उपजाति आपके साथ नहीं आना चाहती है, तो आप तो हो ना मेन। तो कुल मिला जुला के ही कहना था, ऐसे इतिहासकारों और ऐसी दलीलों को से बाहर निकलिए, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैंने जो एविडेंस प्रमाण उसी के साथ में उसी को बताया है जिसे आप लोग अपना सबूत मानते हैं, मैं तो ऐसे सबूत को नहीं मानता हूँ। बस सिर्फ आप लोगों के दिमाग में जो एक वहन है, इसे निकालिए, इससे बाहर निकलिए। नमस्कार, जय भारत, जय सनातन।